नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर टेट एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है संधि। देखिए, कल हमने आपको संधि के तीन प्रकार बताए थे, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और हमने आपको कल स्वर संधि के बारे में भी पढ़ा दिया था। स्वर संधि के कितने भाग होते हैं, पाँच भाग होते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे व्यंजन संधि। अब देखिए, व्यंजन संधि की परिभाषा देख लीजिए। व्यंजन संधि होती क्या है, व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है भाई, अगर व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो किसमें परिवर्तन होता है, उस व्यंजन में, तो वो क्या कहलाता है, व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि को पढ़ने के लिए आपको कुछ नियम है। अब देखिए, नियम नंबर एक क्या है, यदि वर्ग, अच्छा यहाँ पे एक शब्द आया है वर्ग, ये वर्ग क्या है, ये मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ाया था भाई, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में कितने होते हैं, पांच वर्ण, इनमें भी पांच, यानी कि कुल मिलाकर सब में पांच, इनमें भी पांच और इसमें भी पांच, ये जो है पांच वर्ग होते हैं और इनमें पांच पांच वर्ण होते हैं। अब देखिए, वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग कौन सा, पांच वर्ग हैं, कोई सा भी ले लो, हमने मान लिया क वर्ग ले लिया, तो इसका जो पहला वर्ण है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, किसमें, तीसरे में, क का किसमें, ग में, च का जय में, ट का डै में, त का दै में, प का दै में। देखिए, नियम नंबर वन क्या है, वर्ग के पहले वर्ग वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अब वर्ग के देख लो, क का ग में, च का जय में, ट का डै में, त का दै में और प का बै में, कब, जब इनके बाद कोई स्वर या अंतस्थ व्यंजन आ जाए। अब ये अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, इनको मैंने आपको बताया था, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं भाई, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, ये, रे, ले और वे, ये चार होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए इसके उदाहरण, जैसे दिक प्लस अंत, कै के बाद क्या आया है, कोई स्वर आया है ए, तो उस कै का क्या हो जाएगा, गै, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, दिंगत। ऐसे ही दिख के बाद आया है गज, अब देखो यहाँ पे ये स्वर तो नहीं है और ना ही अंतस्थ व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, क का आधा ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा ग, पूरा ग भाई, क्या हो जाएगा, आधा ग, तो क्या हो जाएगा, दिग्गज। अब देखिए नियम नंबर दो क्या है, वर्ग के, जो मैंने वर्ग बताए हैं कि पहले वर्ण का, पहले वर्ण का यानी कि क का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, कैसे, जब क, च, ट, त, प, यानी कि पहले वर्ण से किसका, अनुनासिक वर्ण से होने पर, इनका मेल किससे होने पर, अनुनासिक वर्ण से होने पर, किसकी ध्वनियों में बदल जाता है, अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है, कैसे, देखो जैसे हमने चौक लिख दिया, चौक प्लस नद, तो चौक और नै, नै अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण में होते हैं, जिनकी ध्वनियाँ कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है। अब देखिए चौक और नद को हम कैसे लिख देंगे, जब ध्वनि परिवर्तन हो जाएगा तो चौकंद, क्या लिख देंगे, चौकंद। अब देखिए छह संबंधी नियम, हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद, यानी कि हर्ष या दीर्घ का मेल किससे होने पर, छह से होने पर, छह से पहले क्या आ जाता है, च आ जाता है या च जोड़ दिया जाता है, कैसे, हर्ष और दीर्घ क्या होते हैं भाई, हर्ष ए छोटी ई और छोटा ऊ और री, ये क्या है, हर्ष स्वर, और दीर्घ स्वर आपको पता है आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए आई ओ और औ। ठीक है, अब देखो कैसे, उदाहरण से समझेंगे, क्या आ जाता है, छह से पहले च जोड़ दिया जाता है, जैसे वी, किसका साउंड आ रहा है, ई का, तो यानी कि क्या है, हर्ष स्वर, वी प्लस छेद, तो इससे पहले क्या जोड़ दिया जाएगा, च, वो भी आधा, वी छेद। इसी प्रकार परी ई और छ आ गया तो क्या हो जाएगा, ये च जोड़ दिया जाएगा, परी छेद। अब देखिए नियम नंबर चार, तय संबंधी नियम, यानी कि तय का किस प्रकार परिवर्तन होता है। अगर देखिए तय व्यंजन के बाद च या छ आ जाए, ज या झ आ जाए,
या ठे आ जाए, डे या ढे आ जाए, या क्या आ जाए, ले आ जाए, तो इनका परिवर्तन किस प्रकार होता है? तो जो चे है उसका परिवर्तन चे में, जय या झ का परिवर्तन जय में, टय या ठय का परिवर्तन टय में, और डय या ढय का परिवर्तन डय में, और लय का परिवर्तन लय में हो जाता है। दूसरा, अगर तय के बाद क्या आ जाए, से आ जाए, तो तय का चय में और से का छ में, यानी कि ये दोनों परिवर्तन एक साथ होते हैं। किसका? तय को तो कर देंगे चय में चेंज, आधा चय, और से को कर देंगे छ में चेंज, ठीक है भाई। और यदि तय के बाद है आ जाए तो तय का तो हो जाएगा दे और है का हो जाएगा दे। अब इनको आप किससे एक बार उदाहरण से समझ लीजिए। देखिए, पहले का एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, उत प्लस चारण, और तय के बाद क्या आ रहा है चय, तो क्या हो जाएगा चय, यानी कि आधा चय, दो दो बार चय नहीं लगे, उत प्लस चारण क्या हो जाएगा उच्चारण। इसी प्रकार वत, तय के बाद क्या आ गया शय, तो तय का चय में वच और स का छ में छल, ये हो जाएगा वच्छल। इसी प्रकार देखिए, मैं तय मत प्लस हार, तय के बाद है आ गया, तय के बाद है आ गया, तो तय का तो दय में और है का धय में, वही कर दिया, तय का कर दिया दय और है का कर दिया धय, तो ये मत हार का क्या हो जाएगा मतदार, ठीक है। अब देखिए नियम नंबर 5, अगर मैं के बाद, किसके बाद, मैं के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, वर्ग हमने आपको बता रखे हैं, जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक्य बन जाता है, क्या बन जाता है, उसी वर्ग का नासिक्य बन जाता है, कौन, मैं। देखिए अब जैसे क वर्ग का नासिक्य क्या है, अंग है, चय का अय, टय का अणय, तय का ने, और प वर्ग का मैं। अब देखिए उदाहरण से समझिए कैसे, जैसे सम और ताल, मैं के बाद क्या आ गया तय आ गया, और तय का जो नासिक क्या है, तय क्या है व्यंजन, और जो तय का नासिक क्या है वो क्या है ने, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, मैं को हटा देंगे और ने के ऊपर क्या आ जाएगी धवनी, यानी कि संताल, ये क्या बोलेगा संताल। अब देखिए नियम नंबर 6, यदि री रे और शे के बाद क्या आ जाए ने आ जाए, ठीक है, तो ने का क्या हो जाता है भाई अणय हो जाता है, जबकि चाहे उसमें कोई भी कै वर्ग या फिर पै वर्ग या अनुस्वार, उससे पहले इनका कोई भी वर्ण हो, कै वर्ग का हो, पै वर्ग का हो, अनुस्वार का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे परी मान, रे रे के बाद क्या आ गया ने, जबकि उससे पहले क्या है मैं किस वर्ग का है पै वर्ग का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा ये परी मान, ने का क्या हो जाएगा भाई अने, ठीक है। अब देखिए नियम नंबर 7, से का शय हो जा में परिवर्तन हो जाता है कब, यदि से पहले ए या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए, यानी कि ए या आ नहीं होना चाहिए, किससे पहले से पहले इनके अतिरिक्त कोई भी आ जाए, ठीक। जैसे उदाहरण देख लीजिए, वी ई, ठीक है, कौन सा स्वर आया है ई, और सम, ए या ए तो नहीं आया, तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा शय षटकोण में, तो ये क्या हो जाएगा भाई वी सम। इसी प्रकार नी ई और से आ गया, ई और से, ये किस में चेंज हो जाएगा शय षटकोण में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे नी सेत, ठीक है। ये था आपका व्यंजन संधि, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जय।